सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो i58 5G के फ़ोन के किसी भी ऐप को लॉक करेंगे कैसे और फिंगरप्रिंट के द्वारा ओपन करना चाहते हैं तो उसको ओपन कैसे करेंगे। इस वीडियो में दोनों सेटिंग एक साथ बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देर किए बिना फटाफट सेटिंग को ओपन करना। आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा, ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है आपको। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ नीचे आपको देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी का ऑप्शन। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जिसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। ऊपर की तरफ आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्राइवेसी एंड एक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे जो भी स्क्रीन पासवर्ड बना इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऊपर से तीसरा वाला ऑप्शन गाइस। इस पर आपको क्लिक करना है। ऊपर से तीसरा वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे ताकि हम जानकारी बताएंगे, पहले यहाँ पे तीसरा वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन है ऐप लॉक टाइम का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसे गाइस इस पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। ऊपर से दूसरा वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जितना एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहते हो, आप सब एप्लीकेशन को अगर लॉक करना चाहते हो तो लॉक कर सकते हो। जिसको लॉक करना है उसको इस प्रकार से आपको ऑन करते चले जाना है। जो भी लॉक करना, क्रोम ब्राउज़र चाहे जो ऐप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, सब यहाँ से लॉक हो जाएगा। ये तो हो चुकी लॉक करने के बाद। यहाँ देख सकते हैं मैं ओपन करूँगा तो ओपन नहीं होगा, लॉक मांग रहा है। यहाँ पे गाइस मैं फिंगरप्रिंट भी लगाया हूँ तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी मांग रहा है। तो अब आपको फिंगरप्रिंट लगाना तो कैसे लगाओगे, वापस आपको सेटिंग में जाना रहेगा गाइस। जब आप वापस सेटिंग में जाओगे तो आगे से हम आपको जानकारी बताते हैं। यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे फिर वापस आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिक्योरिटी पे क्लिक करना, ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जो भी स्क्रीन पासवर्ड बनाए हो उसको आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ से फिंगरप्रिंट का ऐड कर पाओगे या ऑप्शन देखने को मिलता है। ये बंद होगा तो इसको ऑन कर देना, आप में फिंगरप्रिंट ऐड हो जाएगा। इसी तरह सेटिंग करना। अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए।